समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी नेता को क्यों पीटा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी नेता को थाने में दौड़ा दौड़ा कर मारा? उत्तर प्रदेश के अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो सामने आया है। दरअसल मऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व में अमेठी से विधायक रह चुके राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी नेता दीपक सिंह की थाने में बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीजेपी नेता दीपक सिंह अपनी कार से गौरीगंज थाने पहुंचता है और टशन में गाड़ी से उतरता है और किसी बात पर गाली दे देता है। फिर क्या, इतने में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह अपना आपा खो देते हैं। इस दौरान जमकर हाथापाई और गाली गलौज होती है। राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थक बीजेपी नेता को इस दौरान बुरी तरह से पीट देते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और बीच बचाव के दौरान खुद भी कई बार गिर जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके समर्थक जिस तरह से बीजेपी नेता को पीट रहे थे, इसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। पिटाई के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया। हालांकि जिलाधिकारी के समझाने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह को घर भेज दिया गया है। वहीं भाजपा के समर्थक थाने में तहरीर देकर FIR लिखाने में जुटे हैं। उनकी मांग है कि समाजवादी पार्टी विधायक पर कार्रवाई हो। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह कल देर शाम से अमेठी की गौरीगंज कोतवाली में धरने पर बैठे थे। उनका आरोप था कि 5 दिन पहले मेरे एक समर्थक की गाड़ी तोड़ी गई, आज तक FIR नहीं लिखी गई। 3 दिन पहले मेरे सामने गाड़ी लगाकर मेरे 4 समर्थकों की पिटाई की गई, मेरी FIR तक नहीं लिखी जा रही। बीजेपी नेता दीपक सिंह की पत्नी रश्मि सिंह गौरीगंज नगर पालिका से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह आज भी धरने पर बैठे थे, तभी दीपक सिंह अपनी फॉर्चूनर कार से कोतवाली पहुंचते हैं और टशन में गाड़ी से उतरते हैं, जिसके बाद किसी बात पर वो गाली देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह को गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो देते हैं और समर्थकों के साथ मिलकर बीजेपी नेता दीपक सिंह की जमकर पिटाई कर देते हैं।